हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्वेतांकित पे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि हम आए हैं उज्जैन और हम उतर चुके हैं उज्जैन जंक्शन पे। यहाँ से हम निकले स्टेशन से बाहर ताकि किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अब हम यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए निकल सकें। काफ़ी टाइम यहाँ पे ही बीत गया हमारा, थोड़े थोड़े डिसाइड करने में ही। पापा, भैया, फूफा, इन सबका चल रहा था, पता नहीं क्या ही डिसाइड करना था। वाओ, गणपति बप्पा। यहाँ सुबह सुबह हमें गणपति बप्पा के दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छा लग रहा था गणेश जी के दर्शन के बाद। क्योंकि जब हम निकले हैं ना ट्रिप के लिए तो गणेश उत्सव चल रहा है, उसी के दौरान हम निकले थे। ये उज्जैन जंक्शन बाहर से कितना अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में। यहाँ अश्विक का रूठना चालू है काफ़ी क्यूट लग रहा है अश्विक। यहाँ पे मेरे लड्डू की सुबह हो चुकी है, अब फाइनली लड्डू जाग चुकी है, लड्डू की नींद खुली। अब वो सोच रही है मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ। फिर अपनी नानी के पल्लू के साथ खेल रही है प्यारी लड्डू। इधर देखो मम्मी, तो लगभग एक घंटे के विचार विमर्श के बाद बहुत ज़्यादा गाड़ी बुक हुई और फिर यहाँ से हम निकले सीधे ओमकारेश्वर के लिए। 1 आवर हमने वहीं स्टेशन पे ही बिताया। इसके बाद बुक हुई कार, निकले हम सब मस्ती मजाक करते हुए। किडनैप कर जाए। बड़ा 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 जल्दी ओवरटेक कर, ये ना कर पाए। ये CNG चला हुआ था ना, ये ओवरटेक कर ही ना पाया मुझे लगातार। अगर CNG बराबर ना हो। आवा आवा आवा, जल्दी जल्दी ओवरटेक करो, जल्दी 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 ओवरटेक करो। आज जय हो महाकाल की। ना गई पाओ तो इकरे बस के ना बैठे। सेल 50%, सेल 50%। आओ तो बलेनो बलेनो आओ, बलेनो आओ आओ, बलेनो आओ, बलेनो तो ऐसा लगता ग्राउंड बलेनो ऐसा लगा था ग्राउंड फ्लोर पे चलता हम सब दूसरे माला पाइट थक गए। थोड़े टाइम के लिए यहाँ गाड़ी रुकी थी तो हम सब उधर के अपना फोटो शूट करने लगे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, सनलाइट सीधा फोकस आ रही थी हमारे चेहरे पे, तो हम सब उधर के फ़ोटो शूट करने लगे। उसके बाद फटाक से बैठे हम वापस से गाड़ी में एंड यहाँ से निकली हम सबकी गाड़ी, रवाना हो गई अपने डेस्टिनेशन के लिए। हमारी जर्नी शुरू है एंड ये रहा रास्ते का नज़ारा जो कि काफ़ी हरा भरा, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम है बरसात का और बरसात में तो हरियाली हर जगह छाई रहती है। अच्छा लग रहा है, एकदम गाँव वाला फील आ रहा है अभी हम लोगों को, अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम रुके नाश्ते के लिए, सबको काफ़ी भूख लगी थी। चाय तो पिया हुआ था हम लोगों ने स्टेशन के यहाँ पे, यहाँ चाय पी ली थी सबने, लेकिन कुछ नाश्ता नहीं किया था। ब्रश वगैरह सब कर लिया था हम लोगों ने सुबह सुबह। उसके बाद एक बार चाय पी थी वहाँ पे, फिर अब हम आए नाश्ते के लिए। यहाँ पे हम सब ने खाया तरी पोहा और तरी
समोसा चाट। हाँ मैंने तो समोसा खाया, आई डोंट नो किसने किसने पोहा खाया, लेकिन हाँ स्वीटी ने तो पोहा लिया था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे समोसा ही अच्छा लगा। और जो ग्रेवी थी, जो तरी थी ना, बहुत ही स्पाइसी और बहुत बेस्ट लग रही थी, मुझे तो खा के बहुत अच्छा लगा। अशु को भी चाहिए क्या? अशु भी खाएगा? लल्ला रख के किट ले, लल्ला जा रहा है। लल्ला क्या बना रहा है? वाओ पे आ गया, पे आ सकता है। सेम बहुत गर्म है। पनीर का नहीं, तभी को आता है। वाओ यार, यू टेस्ट नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बिट्टी खाए ले पहले। इधर है ना ये नाश्ता करके अगेन हम सब निकले यहाँ से। अपने सफ़र की शुरुआत फिर से की हमने, क्योंकि अभी तक हमारा डेस्टिनेशन तो आया नहीं है जो कि है ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर के लिए हम फिर से निकल चुके हैं एक बार नाश्ता वगैरह करके। ये है रास्ता, रास्ते का सफ़र। ये है लड्डू अपने मामी जी के साथ में। वीडियो तो ले रही थी मैं, लेकिन अच्छे से आ नहीं रहा था क्योंकि लाइट का फोकस अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दैट्स व्हाई। यहाँ पे सब मस्त चिल करते हुए चल रहे हैं अपना, और ड्राइवर भैया मस्त गाड़ी चला रहे। और ये रही मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था सब साथ में। और ये मेरी मम्मी जी, मेरी माता श्री मस्त अपनी नींद में है। यहाँ ऑलमोस्ट लोग सब सो चुके हैं अब, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था। आई थिंक 4 घंटे लगे थे हमें ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए, 4:30 समथिंग इतना टाइम लगा था। हमें व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा है ये रास्ता। अगर ऐसा हो तो बड़ा अच्छा लगता है, और देखते देखते रास्ता कट जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ अगेन हम रुके कुछ टाइम के लिए, और काफी मस्त मोमेंट्स बन गए थे यहाँ पे। देखा एक थैली हो वहीं भाई, ही ऊपर ये थैली इधर देख प्राची। हां ये तो अच्छा, उनको खाने के लिए चाहिए तो ब्रेड ही खिला दूं मैं इनको। अरे भैया आना लो, आप खिलाओ, आपके खिलाने से खाएगी। तो यहाँ जैसे कि हम गाय को ब्रेड दे रहे हैं, गाय ब्रेड खा रही है। पहले तो गाय ने मस्त ब्रेड व्रेड खा लिया, उसके बाद ये गैया हमारे पीछे पड़ गई। अब और ब्रेड मैं कहाँ से लाती, तो हम लोग गाड़ी के आगे पीछे भागने लगे, तो मुझे थोड़ा सा चिल्लाया गया क्योंकि ये सारा खुरापाती काम मैं ही करती हूँ। तो मैं थोड़ी सी ना दयावान इंसान हूँ, तो मैंने अपनी दया दिखाई, लेकिन गैया मेरे पीछे पड़ गई, तो हमें भाग भाग के फटाक से गाड़ी में चढ़ना पड़ा। उसके बाद फिर हम निकले यहाँ से अगेन, काफ़ी मज़ा आ गया। लेकिन ले लूँ मैं बैठू? नहीं ले लूँ मैं? नहीं 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 ले लिया। मैं घंटा की वीडियो बनाऊंगा। मैं आ रही हूँ। और देखा नदी चली, नदी चली, वो देखो तार मम्मी जाती है नदी में। ए वो देखो ओमकारेश्वर, किधर वो देखो, देख मंदिर आ गया।
तू अंधेड़ी है, अंधेड़ी है तू, अंधेड़ी मतलब हमें पहुंच गए। यस ब्रो, दीदी प्राची की बोल रही थी अभी 40 मिनट है। नहीं फूफा अंदर रखा है मैंने पुलिस से, सबको बांट दे। अच्छा वो खराब सा हो रहा है जैसे नर्मदा नदी है ना फूफा, यहाँ पे मैंने मस्ती की अंजू के साथ की, ओमकारेश्वर टेंपल आ गया और अंजलि ने साथ समझ लिया। तो ऐसे ही रास्ता हंसते मुस्कुराते काट लेना चाहिए ताकि ऐसे फन वे में चलते रहें, नहीं तो फिर ऐसे ही सूखे रूखे क्या ही रास्ते का मज़ा नहीं आता ना। तो ऐसे जोक मारते रहना चाहिए, लोगों को हंसाते रहना चाहिए और खुश नुमा होकर चलते रहना चाहिए रास्ते में। ज़िंदगी का सफ़र यही है, हंसते मुस्कुराते हमें चलते रहना चाहिए। तो थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे जहाँ पे ये गाड़ी पार्क होनी है, क्योंकि उसके आगे उन लोग बोलते हैं कि सिर्फ रिक्शे चलते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक वाले। तो हमने वो रिक्शे किए, रिक्शे से फिर हम घाट पे गए क्योंकि वहाँ पे जो जिस गाड़ी से हम लोग उज्जैन से गए हैं वो वहाँ तक नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से हम जाएंगे घाट पे नहाने के लिए। ठंडा पानी बिल्कुल उसको नहीं पसंद है। ये शंकराचार्य जी हैं जिनको मैंने जूम करके दिखाया है। हम घाट पे पहुंच चुके, घाट पे नहा धो के फिर हम आए, घाट से निकल के। अब मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दूरी पे है मंदिर। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी टाइम बिताए, काफ़ी टाइम पास किया। पहले तो 1.5-2 घंटे गए घाट पे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे गन्ने का जूस वगैरह पिया और रेडी वेडी हुए हम लोग जल्दी जल्दी। ये देखिए मेरी लड्डू सो रही है, फिर उठ रही है, सो रही है फिर उठ रही है, पता नहीं बेचारी को क्या ही हो गया। फिर हम सब ने लगवाया माथे पे चंदन, लग सके कि भाई हम अच्छे डिवोटीज़ हैं। एक फील आता है माथे पे चंदन वंदन लगा के। आज हम लोग का दर्शन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम सब अब निकलने ही वाले हैं कि अब बस चलें जल्दी से मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए। लगभग हमने यहाँ पे 1.5 घंटा बिताया है बैठ के सिर्फ रेडी वेडी होने में, चंदन वगैरह लगाने में। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल गए मंदिर के लिए। बीच में माता जी मिली, फिर मम्मी इनको कुछ देने के लिए रुक गई, देन इनको देने के बाद फिर हम यहाँ से आगे निकले मंदिर के वे में। एंड ये है मंदिर का वे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अपना ढेर सारा प्यार मेरे वीडियो को दिखाएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू न्यू